खड़ी डर लग रहा है लाडो ये देखिए दोस्तों देखिए नौका विहार घूम रहे बिल्ली के साथ। और भाई यहाँ पर जो है पूरा हम लोग बोरिया बिस्तर और डेरा और अपना डाल दिए हैं। तो भाई ये व्यू है देखो कितना जबरदस्त लग रहा है। हे गाइस गुड इवनिंग वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। ऐसे भी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कहीं घूमने के लिए। आज भी साथ में खाना का जो भी सामान है सारा कुछ लेके चलेंगे। और अभी देखो टाइम 5:19 हो चुके हैं। अभी मौसम काफी सही है और वैसे धूप भी है। सूर्यास्त होने में अभी लगभग 1.5 घंटा बाकी है क्योंकि 7 बजे जो है सूर्यास्त हो जाता है। और गाड़ी देखो पूरा कोच वोच के संदीप भैया रेडी कर दिए हैं। दी लड्डो को हाथ दो, लड्डो इस पे हाथ दो, हाथ दे दी लड्डो। देखो अभी लाडो को एकदम फ्रेश हो गई है घूमने के लिए ना लड्डू। तो भाई अभी चलते हैं, जितना भी खाना बनाने वाला सामान है गाड़ी के अंदर डालते हैं। यहाँ पर देखो प्रेशर पानी का बोतल और इसमें चावल बनाने के लिए ये टोप लिए हैं, थाली लिए हैं एक, और इधर छोटा वाला सिलेंडर चूल्हा और इसमें प्याज वगैरह सब कुछ है। चलो अभी लॉक खोलते हैं। भाई पूरा 5-स्टार होटल हम लोग अपना साथ लेके चलते हैं, जहाँ भी जाते हैं 5-स्टार होटल वहीं तैयार हो जाता है। चलिए अभी रखते हैं सामान गाड़ी के अंदर। सारा सामान हमने रख दिया है, एक चटाई जो है वो भी रखा गया है कहीं बिछाने के लिए। बंद करते हैं, लाडो का सामान है अब इसको भी गाड़ी के अंदर डालते हैं, यहाँ पीछे रख देते हैं। गाइस अभी सब कुछ रेडी हो गया है, बस अभी बस निकलना है। मनीषा में थोड़ी देरी है क्योंकि मनीषा पहले बोल रही थी ना कि नहीं जाएंगे, बाद में फिर बोली कि चलेंगे। नाम सुनी है कि गोरखपुर चलना है तो फटाफट तैयार हो गई है। वही अभी रेडी हो रही है, वो भी रेडी हो गई है, 2 मिनट के अंदर वो भी आ जाएगी। इधर लाडू ना इसको तो पता नहीं मन करता है क्या करूं, जब सुनती है कि गाड़ी में बैठना है तो खुश हो जाती है। एक बात, और लाडू और हम एक सेम मैचिंग कपड़ा पहने, और हमारे हस्बैंड जी भी आज सेम सेम। आज देखो तीनों लोग पूरा येलो कलर का कपड़ा पहने, पूरी फैमिली कम्प्लीट। थोड़ा लाडू थोड़ा सा अलग, आप अलग पहने, लाडू नहीं पहनी। अभी एक चुम्मा देगी लाडू हमको, नहीं दोगी। तो भाई टाइम देखो 5:52 हो चुके हैं, 8 मिनट कम है 6 बजने में, और चलो भी निकलते हैं। और यहाँ पे भाई फोटो शूट चल रहा है। मनीषा भाई निकाल सब कोई अपने इस फूल के पीछे जो है फोटो निकाल रहे हैं लोग। चला जाए रोशनी बनी और मनीषा बनी अपना फोटो शूट कर रहे हैं, हम लोग भी किए लेकिन हम अपना नहीं बताए। अभी जस्ट हम यहाँ पे रील शूट किए हैं इंस्टाग्राम पे। चलो अभी गाड़ी अनलॉक करते हैं और निकलते हैं। गाइस अभी आ गए हम लोग फाजिल नगर, और फाजिल नगर नेशनल हाईवे पे आ चुके हैं। और ये रोड जो आप देख रहे हो ना, ये सीधे गोरखपुर चला जाएगा, और ये है NH 28। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर और काफी आज एंजॉय हम लोग करेंगे, और हर 2-3 दिन पे हम लोग काफी निकल जाते हैं कहीं घूमने के लिए। तो एंजॉय मस्ती ही पूरी फैमिली के साथ करते हैं हम लोग। मेरी लाडो देखिए अभी सो गई है, भैया से बोले एक ही शर्त पे हम घूमने जाएंगे, जब तक प्रेम बीच रोड में डांस नहीं करेगा तभी हम जाएंगे। तो भैया बोले हाँ डांस आज पक्का करेगा, आज बीच रोड में प्रेम को हम डांस करवाएंगे कुत्ते की तरह। अभी हम डांस किए हैं और रील्स भी भैया बनाए हैं जो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। किस गाने पे किए अभी बता रहे हैं, गाना का शुरुआत वाला पार्ट बता रहे हैं, बस गानों में लड़की बोल रही है ऐसे गा रही है, ये उसी गाने पे डांस किए हैं, लेकिन बीच में नहीं हाईवे के साइड में किए हैं। तो हमको पता नहीं था कि मनीषा जो है आई है, तो ये बोल के आई है कि जब तुम डांस करोगे तभी चलेंगे। तो प्रेम डांस वैसे किया है नहीं, तो इसे कहीं रास्ते में रुकवा के डांस करवाते हैं। अभी रुकी गाड़ी, अभी ये डांस करेंगे। नहीं इसी गाने पे करेंगे लेकिन बाद में। भैया हमको बदनाम करवाने में लगे, हम भैया से बोले थे पर भैया झूठ बोल रहे हैं। ये मनीषा और प्रेम बाबू का सीक्रेट था, हम लोग को पता चल गया है। चलिए गाड़ी रोकिए जी, अब डांस करवाइए इनसे, अभी हम लोग को पता चल गया तो गाड़ी रोकिए कहीं। चलो भाई अब गाड़ी रोकी देते हैं, प्रेम डांस करेगा। प्रेम ठुमका लगाएंगे बीच हाईवे पे, डांस कर रहे हैं हाईवे के किनारे लगाते हैं कहीं साइड में, थोड़ा सा ठुमका लगा देना बस। तो गाइस अभी कसिया पहुंचने से पहले ही मैं रुक गया हूँ यहाँ पे, रीजन यही है रुकने का ना, पानी निकालना था, डिक्की में पानी था पीने वाला, तो अभी पानी निकाल के दीजिए। चलिए भाई टाइम देखो अभी कितना बज रहा है, 6:49, इसको देखो। कहाँ है लड्डो, कहाँ आई हो, कहाँ आई हो? लो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी हम आ गए
है सोनबरसा, यहाँ इधर सामने जो है ना गुड़ का कोई दुकान है, तो यहाँ पर जो है ना लखठा काफी अच्छा मिलता है और गुड़ काफी अच्छा मिलता है। वही भी चल रहे हैं, सामने से देखते हैं कहाँ मिलता है वहीं से लेने के लिए। और भाई ये है पूरा का पूरा नेशनल हाईवे, तो कभी भी नेशनल हाईवे पे भाई अगर क्रॉस आपको करना हो तो गाड़ी देख के करना कि कोई गाड़ी ना आ रहा हो। तो गाइस यहाँ पर देखो भाई 2 केजी जो है ये गुड़ लिया हूँ, 85 रुपए किलो के हिसाब से गुड़ मिला है। एक केजी ये है, 1 केजी ये है, 2 केजी और 2 पैकेट लखठा है। 1 पैकेट लखठा का दाम 50 रुपए है, 100 रुपए का लखठा है। रखिए भैया 500 रुपए दिया था तो 230 रुपए वापस मिला है। भाई जब भी गोरखपुर आते हैं ना तो सोचते हैं कि आके ये सब चीजें ले ले यहाँ से, लेकिन भाई भूल जाते हैं। उधर से आने के टाइम क्या होता है कि यार रात हो जाता है तो फिर सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। गाइस जो नॉर्मल गुड़ होता है ना वो जो आप खाइएगा ना उसका टेस्ट काफी अलग होता है और वो दुकान पे 40 रुपए केजी के हिसाब से मिल जाता है, लेकिन ये जो है 100 रुपए केजी है। तब इसी के हिसाब से आप थोड़ा अनुमान लगा लो कि इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। तो भाई ये जो है ना एकदम ताजा मिलता है। कैसा टेस्ट है भैया? अभी तो खाया नहीं, खा के देखिए। टेस्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्रिस्पी एकदम लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। अब चलिए अपने हस्बैंड को पहले खिला दें। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं गोरखपुर और गोरखपुर के नौका बिहार पे हम लोग आए हैं। तो ये है जो है ना पार्किंग साइड। पहले यहाँ पे पार्किंग का पैसा नहीं लगता था, लेकिन अभी जो है पार्किंग का पैसा लग रहा है। हम लोग चाहते तो गाड़ी मेन रोड पर भी लगा सकते थे, लेकिन मेन रोड पे ही अलाउंस हो रहा था कि भाई अगर पुलिस देखेगी तो वहाँ पर जो है फाइन भी लग सकता था, तो इसीलिए गाड़ी लाके हम लोग, और देखो यहाँ पर जो है गाड़ी पार्क कर दी है। अभी चलो चलते हैं घूमने के लिए। गाइस ये रहा मेन गेट, चलो अभी अंदर एंट्री करते हैं। गाइस अगर गोरखपुर में आते हो ना तो यहाँ पे जरूर आना, क्योंकि रात का व्यू काफी अच्छा यहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर आप लोग गोरखपुर के आसपास से हो तो यहाँ पर एक चीज है ना कि यहाँ पे आने के बाद ना घूमने में काफी मजा आता है, क्योंकि एक तो मौसम गर्मी का भी चल रहा है और यहाँ आने के बाद इतना ठंडा हवा आपको मिलेगा बता नहीं सकते यार। आप आओगे तो फील करोगे यहाँ। और यहाँ देखो अभी भी इतनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा पब्लिक है। 9:01 हो रहा है और अभी आके कैसा लग रहा है गोरखपुर? बहुत मस्त। जब मम्मी थी आज लगभग 4-5 महीने पहले ठंडे में हम आए थे यहाँ पर, और फाइनली गर्मी में अभी भी रात 9 बज रहा है और अभी भी यहाँ पे लोग पब्लिक बहुत ज्यादा है। ये रहा व्यू यहाँ का। लाडो से आज एक बिल्ली से मिलवाते हैं, माऊ से। आओ लाडो माऊ देखो, हेलो हेलो, इनसे मिलिए एक बार। लाडो फर्स्ट टाइम माऊ देख रही है, कैसे गौर गौर से देख रही है। तो गाइस नौका बिहार में आए हैं ना तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा बिल्ली नीचे से ऊपर तक। लाडो कितनी डर रही है, बिल्ली को डांस भी कर रही है भाई। डांस कीजिए इनके साथ, लीजिए मेरा हाथ लीजिए पकड़िए। डर लग रहा है लाडो, ये देखिए। दोस्तों देखिए नौका विहार घूम रहे बिल्ली के साथ। और ये देखो भाई एक और बिल्ली आ गई, पिंक वाली। लाडो लाडो इनके लाडो डर गई। तो गाइस बिल्ली से मुलाकात करके ना काफी अच्छा लगा, लाडो बेचारी डर गई है। नौका भी यार पूरा आज बिल्ली घुमाई है मुझे, लाडो डर गई है देखते, रोने लगी है। इतना बड़ा बिल्ली देखी हूँ। तो गाइस नौका भी यार में ना काफी ज्यादा एंजॉय मस्ती किए हैं, और अभी देखो टाइम जो है 9:41 हो रहा है। हमको ये वाला कान में का, इतना सारा कान का है इयररिंग्स है, लेकिन हमको ये वाला पसंद आया, सिंपल सा है। गाइस अभी हम लोग नौका विहार से निकल रहे हैं गाड़ी के पास, काफी ज्यादा लेट हो रहे हैं। टाइम देखो 9:54 हो गया है। अभी हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के पास, सामने ये रहा हम लोग का गाड़ी, पार्किंग में यहीं पे लगा के गए थे। तो देखो सब कोई भी आ गया है, चलो अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं। गोरखपुर अगर दिन में कभी आते हो घूमने के लिए तो उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा रात के टाइम आता है। भले ब्लॉग थोड़ा सा दिक्कत होता है बनाने में, क्योंकि दिन रहता है ना तो काफी अच्छा व्यू नजर आता है। मतलब हम तो देखते ही देखते हैं आप सभी को एक अच्छा व्यू दिखाते हैं। रात के टाइम में जो आपको लाइटें दिखाई दे रही है ना चारों बगल, ये चीज भाई ना काफी ज्यादा जो है अट्रैक्टिव लगता है रात के टाइम देखने में। चलो अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी पार्किंग की है ना तो उसका 20 रुपए टिकट लगा है। Thank you.
पेट्रोल पंप पे और यहाँ पे तेल लेना है क्योंकि गाड़ी में तेल जो है खत्म हो गया है। अभी टाइम आपको दिखाते हैं तो ये देखो 12:41 हो गया है भाई, आधी रात से ज्यादा हो गया है और डेट भी चेंज हो गया है, यानी कि दिन भी चेंज हो गया है भाई। 7 तारीख को तो वैसे गोरखपुर हम लोग आए थे लेकिन 8 तारीख लग गया है क्योंकि आधी रात से ज्यादा हो गया है, 1 बजने वाले हैं, 12:42 हो रहा है। गाइस पेट्रोल पंप से जो है ना तेल डला के और चले आए हैं। आप सभी को पता है कि हम लोग खाना अभी तक खाए नहीं है, तो भाई घर से तो सारा बर्तन वर्तन लेके आए थे खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो टाइम जो है 1:40 हो गए हैं और भाई यहाँ पर जो है पूरा हम लोग बोरिया बिस्तर और डेरा और अपना डाल दिए हैं खाना बनाने के लिए, जो कि देखो यहाँ पर चावल चढ़ा हुआ है और भाई चिकन हम लोग लिए थे तो चिकन अभी जो है धो के रख लिए हैं। संदीप भैया प्याज काट रहे हैं और इधर लाली क्या कर रही है, लहसुन वगैरह सब छील रही है। मनीषा उधर लाडो को लेकर बैठी है और प्रेम देखो मोबाइल चला रहा है सो के। तो आज हम लोग घूमे हैं, काफी इंजॉय मस्ती किए हैं और ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि घर में तो उतना आदमी बोर हो जाता है बनाते बनाते खाना, लेकिन कहीं बाहर रुक करके खाना बनाओ खाओ पियो उसका मजा कुछ अलग है, एकदम फर्स्ट क्लास एकदम बहुत अलग है। पूरा हाईवे है यहाँ पर देखो, एकदम हाईवे के जस्ट बगल में अपना गाड़ी खड़ा किए हैं। देखो ये हमारी गाड़ी रही और ये पूरा ऑन रोड हाईवे पे है, हम लोग NH 28 पे और बगल में ही रिलायंस का पेट्रोल पंप है, जस्ट उसी के बगल में हम लोग रुके हुए हैं और खाना बन रहा है। तो भाई ये व्यू है देखो कितना जबरदस्त लग रहा है, खाना वाना बन रहा है, काफी मजा आ रहा है। टाइम भी देख लो, टाइम रात के 1:42 हो रहे हैं, तो भाई एकदम फुल मस्ती फुल इंजॉय हो रहा है। तो गाइस हम लोग का खाना बन के जो है ना रेडी हो चुका है और अभी देखो चावल निकल रहा है, चावल के बाद चिकन निकलेगा और सब कोई बैठ गया है खाना खाने के लिए। लाडो जो है वो सो गई है भाई और अभी टाइम देखो 2:58 यानी 3 बज रहे हैं सुबह के। तो गाइस मस्त खाना पीना भी हो चुका है और अभी टाइम देखो 3:34 हो चुके हैं और यहाँ पर देखो लाडो एकदम मस्त हंस रही है और जगी हुई है। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, हम लोग के लिए गुड नाइट होगा और आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। हम लोग तो भाई अभी जाएंगे घर तो अभी से सोएंगे क्योंकि रात भर के जागे हैं, सुबह भी ऐसे होने वाली है। अभी सुबह के 3:30 रहना तो हम लोग घर पहुंचते 5 बज जाना है भाई, तो आप सब उठिएगा तो हम लोग उस टाइम सोया जाएगा। और देखो जितना सामान था अब धीरे धीरे सब सामान जो है संदीप भैया ला के गाड़ी के अंदर रख रहे हैं। तो चलो भाई अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं घर के लिए। अभी देखो टाइम 3:40 हो चुके हैं। अभी हम लोग आ गए हैं घर पे और भाई इस कोने आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी सूर्योदय होने वाला है, यानी कि सूरज अभी निकल रहे हैं और उधर देखो प्रेम जो है अभी दरवाजा खोल रहा है, गाड़ी का सारा दरवाजा अभी ओपन है। चलो गाड़ी का दरवाजा बंद कर देते हैं भाई। भाई टाइम देखो 5:12 हो गए हैं, एकदम सुबह हो गया है और अभी से हम लोग चल रहे हैं सोने के लिए। चलो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस यहाँ पर देखो घर आते ही लाडो पूरा घोड़ा बेच के सो गई है, रात भर भाई घूमी है, रात भर तो चिल्लाई इतना ज्यादा है क्या बताएं।